अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोलिया सी माधियर फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं हम लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपी है और इंडिया में भी बहुत शौक के साथ बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों ट्रेडिशनली ये चिकन के साथ बनाई जाती है, चिकन जिंजर। तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। कोई सवाल है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए जिंजर मटन बना रहा हूँ। और ऐसे लोग जो है गोश्त पसंद नहीं है तो उसकी जगह पे आप चिकन और बीफी एज वेल एज यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज इसे मटन के साथ बनाऊंगा, ट्रेडिशनल वे के साथ, बहुत आसानी के साथ, बहुत मज़ेदार बनेगा। आप इसे नान चावल वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मैंने 250 ग्राम के करीब मटन का गोश्त लिया है। ये दस्सी का गोश्त है, रान का। अब रान का लीजिएगा, वो एक तो जल्दी गलता है और होता भी मज़ेदार है, थोड़ा सा लेसर होता है वो। अगर वो ना मिले तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। थोड़ा सी बीच में हड्डी डलवा लें, बाकी आप बोनलेस रख लें, या आप 300 ग्राम 400 ग्राम भी ले सकते हैं। मैं 250 ग्राम ले रहा हूँ, यानी एक पाव के करीब है ये। 300 ग्राम भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जाएगा इसमें दोस्तों 3 से 5 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो 3 डाल लें, अदरवाइज़ मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ, 5 टेबल स्पून। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें दोस्तों, ये टमाटर प्यूरी है, ये तकरीबन 3 टमाटर की प्यूरी है। और अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है तो इसकी जगह पर आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा सहूलत होती है, टाइम चीट है ये। तो मैंने टमाटर प्यूरी की आपको रेसिपी बनाना सिखाई है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी इसका लिंक फॉलो कर सकते हैं, और अगर नहीं तो वीडियो सेक्शन में जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बना कर रख लिया करें, इजी होता है, छीनना नहीं पड़ता, काटना नहीं पड़ता, पेस्ट नहीं बनाना पड़ता। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा दोस्तों, ये भी टाइम चीट है, ये तली हुई प्याज है, आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके उसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें, या उसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लें, अपने हिसाब से जितना आपको जो है इसका टेस्ट पसंद है बन में। तो ये तली हुई प्याज है, ये 3 टेबलस्पून के करीब है। नेक्स्ट जो इसका दोस्तों जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स है वो ये है, जिंजर है, अदरक है। तो ये मैंने लिया है 1 इंच का टुकड़ा, इसे मैंने कूट लिया है। आप पीस लें, कोट लें, इसे बारीक काट लें, या जैसे आपको पसंद है तो आप चॉप भी इसमें डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है गार्लिक लहसुन, और इसे भी मैंने कोट लिया है, पीस लिया है। स्पाइस इसमें जो जाएंगे बहुत सिंपल है, तो मैंने डिज़ाइन इसे बहुत सिंपल किया है, मैंने इसमें कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें नहीं डाली, जाफर जावत्री फलाना टमकाना कोई चीज़ें नहीं डाली, बहुत सिंपल सी है। स्मूथ और मज़ेदार आपका जिंजर जो है मटन बनेगा इससे। तो इसमें जो स्पाइस आएंगे दोस्तों, ये देखिए गोश्त से जिसमें मैंने 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया, यानी 1/2 टीस्पून के करीब है। नमक मैं हमेशा कम डालता हूँ ताकि बाद में एडजस्टेबल हो सके। 1/2 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ये। 1/4 मैंने लिया हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला। इसके अंदर काली मिर्च है, मोटी इलायची है, दालचीनी है, ज़ीरा है, लौंग है, यानी तकरीबन सारे स्पाइस है। तो हम इस वजह से 1 टीस्पून के करीब यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में दोस्तों जब ये तैयार हो जाएगा, इसके ऊपर हम जो प्रेजेंटेशन करेंगे, ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक काट कर रखा हुआ जूलियन फॉर्म में बारीक, और एक मैंने सब्ज़ मिर्च लेके इसे बारीक काटा हुआ, ये लास्ट में हम इसके ऊपर गार्निश के लिए डालेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर 5 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालते हैं, उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन डाल देंगे, और दोस्तों इसे 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो जाए, दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये सारे स्पाइस, मिक्स कर लेंगे इसे।
साथ ही हम अपना मटन शामिल कर देंगे इसमें। दोस्तों मैंने ये फ्रीज लिए, ये डीप फ्राउज खुद ही हो जाएगा इसके अंदर। आप इसे मैंने हल्का हल्का से ऊपर से फ्राई कर लें इसी के अंदर। ये हो गया। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी, साथ ही ये ब्राउन प्याज यूज़ कर लेंगे इसमें जो तले हुए। दोस्तों 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। 45 मिनट देते हैं प्रेशर कुकर में इसे, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं इसे एज इट करूँगा। तकरीबन 1.5 जो है घंटा लगेगा इसे ढककर पकाएंगे। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर भी नहीं है, आप इसे जल्दी खिलाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब कच्चा पपीता डाल दें या पका हुआ पपीता डाल दें। कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून के करीब, तो उससे भी बहुत अच्छा गल जाता है। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 टेबल स्पून के करीब सिरका डाल दें, वाइट विनेगर, उससे भी गोश्त बहुत अच्छे तरीके के साथ गल जाता है, उसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। चलिए दोस्तों 1.5 घंटे के बाद इसे देखते हैं। मैं बिल्कुल इसे मीडियम लो कर देता हूँ हीट। लें जी दोस्तों, हमारा जो हम बना रहे हैं जिंजर मटन, इसे पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। इसे चेक करते हैं, मैंने बीच में 1-2 दफ़ा हिलाया भी था। देखिए दोस्तों, ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनेंगे। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, अच्छे तरीके से ग्रेवी भी तैयार है इसकी, मज़ेदार। अगर आपने इससे ज़्यादा ट्राई करना है तो आप 5 मिनट और इसे ओपन करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इसमें ग्रेवी अच्छी लगती है इसके अंदर। चलिए दोस्तों मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके अंदर अदरक शामिल कर देंगे, कुछ हम गार्निश के लिए रखेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल लें, इसे मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों इसे मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार जिंजर मटन तैयार है। दोस्तों बहुत मज़े का बना है, मैंने इसे टेस्ट किया है। दोस्तों आप इसे जो है नान के साथ खा सकते हैं, सूखी रोटी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, या चावलों के ऊपर डाल के खाएं, आपको ये बहुत मज़ा देगा। बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसे बनाया है आपके सामने। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी बीच में ग्रेवी भी हल्की सी रखी है, आप इससे ज़्यादा ड्राई करना चाहते हो तो इससे ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें रसमिसा रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है। तो नान के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा देगा, स्पेशली रोगनी नान के साथ। चलें दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ या कुछ भी अपडेट करूँ तो वो आपको मिल जाए, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसे ज़रूर बनाइए, मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत मज़े की बनेगी आपकी भी। अगर आपको मटन नहीं पसंद हो, इसकी जगह पे आप बीफ और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चलो दोस्तों मुझे इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।